जैसा कि आज हम आपको एसीवेरियस 500 mg इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर कब करता है, मरीज को क्या तकलीफ क्या परेशानी रहती है या कौन सी बीमारी रहती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर करता है, इसी के बारे में पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे। इसका उपयोग फंगस में किया जाता है, जब मरीज को फंगस फोड़ी फुंसी निकल आता है तो उसमें इसका उपयोग डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कर, और इसका उपयोग वेजाइना संबंधित रोगों में किया जाता है, और इसका उपयोग शरीर में होने वाले पसीना के कारण उत्पन्न बीमारी में किया जाता है, और इसका उपयोग छोटी माता कहते हैं जब हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है, और जब शरीर में पसीना के कारण या वैसे ही शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या शरीर में दाना पड़ जाए या खुजली होने लगे, खुजली होने के साथ में स्वेलिंग आ जाए, उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार करता है। इस इंजेक्शन में एसाइक्लोविर इंट्रावेनस होता है। इस इंजेक्शन का उपयोग IV रूट से किया जाता है। यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से अपने परेशानी बता करके दवा लें। कोई भी इंजेक्शन कोई भी दवा आपके लिए सेफ नहीं है, अपने मर्ज़ी से ना लें।